नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नीदरलैंड ने गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने की पहल। आपको बता दें कि नीदरलैंड ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी एवं पुष्प खेती के सहयोग करने के लिए किए गए समझौतों के आगे बढ़ाते हुए सेक्टर 52A गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने की पहल की है। इस कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ और भारत में नीदरलैंड के राजपूत एल्फोनसस स्टॉइलिंगा ने एक डच प्रतिनिधि मंडल के साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ के साथ मुलाकात की और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। मंगलवार को चंडीगढ़ में भारत में नीदरलैंड के राजपूत और ने एक डच प्रतिनिधि मंडल के साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ के साथ मुलाकात की और बैठक में श्री धनखड़ ने गुरुग्राम को प्रस्तावित फूल मंडी की प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले पहले पूरी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेरी एग्रीकल्चर अवधारणा पर प्रस्ताव पर हरियाणा तेजी से बढ़ रहा है। यह फूल मंडी भी उसी परियोजना का एक हिस्सा है। बैठक में चौधरी चरणजीत सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति श्री के पी सिंह ने मंत्री को अवगत करवाया कि अवशेष प्रबंधन के पायलट परियोजना पर कृषि विश्वविद्यालय ने अवशेष प्रबंधन की एक समेकित परियोजना के तहत कार्य किया है और सितंबर 2018 तक संचालित होना अपेक्षित है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 14 टन पराली से सीएनजी, अपग्रेशन सीएनजी के रूप में बायोतेल तथा इथनॉल उत्पादित की जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। हम नीदरलैंड के साथ रॉयल हॉलैंड फ्लोरा, जो उनकी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके एक्सपर्टीज को उपयोग करते हुए अपने गुड़गांव में एक फ्लावर मार्केट और दोनों तरह की थोक भी और खुदरा भी, क्योंकि गुड़गांव हमारा बड़ा शहर है जहाँ खुदरा मार्केट की फूलों की बड़ी चाहिए और ये सारा जो हमारा इलाका है फ्लावर ग्रोइंग है, वो तुरंत जो है उस पर काम प्रारंभ हो। ये आज जो डच डेलीगेशन आया था उसके साथ तय हुआ है। वो फ्लोरिकल्चर में रिसर्च एंड डेमोंस्ट्रेशन, इसका एक प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर का एक इंस्टीट्यूट जो है वो इनके साथ बना रही है। उनका जो रैया में अपना जो एक रीजनल सेंटर है उसमें उसको डेवलप करेंगे वागेनर यूनिवर्सिटी के साथ, और उसमें फ्लोरिकल्चर की सब रिसर्च भी होगी और डेमोंस्ट्रेशन भी होगा। थर्ड जो है वेस्ट मैनेजमेंट, इसके कुछ पायलट प्रोजेक्ट HAU के साथ शुरू हो रहे हैं और उसमें वो CNG भी बनाएंगे, उसमें वो उसके पैलेट्स भी बनाएंगे, उसमें जो है उनका कुछ ऑयल भी बनाएंगे जो ऑयल पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल होगा। ऐसे सितंबर तक हमारा एक नीदरलैंड के साथ अवशेष प्रबंधन की पायलट प्रोजेक्ट जो है वो HAU के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे तीन चीज़ें, एक तरह से ये दो चीज़ें अगस्त में आगे बढ़ जाएंगी और ये तीसरी जो है ये सितंबर तक पायलट प्रोजेक्ट जो है, एक विचार शुरू हुआ है कि पैरी अर्बन एग्रीकल्चर एक इंस्टीट्यूट भी हरियाणा में बने, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट बने जो पैरी अर्बन एग्रीकल्चर हरियाणा में बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो उसी पर फोकस करे। और तीन पार्ट उसके मोटे तौर पर तीन हिस्सों में उस पर काम होगा। एक होगा पास्ट हार्वेस्टिंग, जो भी प्रैक्टिसेज होती हैं, एक प्री हार्वेस्टिंग है, तो प्री हार्वेस्टिंग भी उन्हीं क्रॉप्स पर वहाँ बात होगी जो जल्दी यूज करनी चाहिए, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, पैरी अर्बन में वही काम आती है, क्योंकि आप ऐसी फसलें तो कहीं से भी ला सकते हो जो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती, तो ऐसे उनकी प्री हार्वेस्टिंग या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग फिर मार्केटिंग, ऐसे तीनों चीज़ों को फोकस करने वाला एक इंस्टीट्यूट, और वो भी इंटीग्रेटेड, जैसे डिपार्टमेंट तो अलग अलग बैठे रहते हैं ना, फिशरीज अलग है, डेयरी अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, लेकिन उसमें सब इंटीग्रेटेड होगा क्योंकि सभी का एक साथ वहाँ
स्टडी भी एक साथ जो है उस पर स्किल की प्रैक्टिसेस भी यानी और उसके जितने भी मार्केटिंग के जो ज़रूरतें हैं ब्रांडिंग मार्केटिंग ऐसे उस पर भी अब हरियाणा सरकार काम करेगी। ये भी आज के विचार में से एक आगे बढ़े हैं और बैरियर बन जैसे आपको अंतर करना हो तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की खेती देखेंगे तो अभी हमारे जैसी खेती है, गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में उगा रहा है, मक्का बहुत बड़ी मात्रा में उगा रहा है, बाकी अनाज बहुत बड़ी मात्रा में उगा रहा है, लेकिन आप नीदरलैंड की खेती देखेंगे तो टोटल बैरियर बन एग्रीकल्चर ही है, यानी वहाँ के नगरीय क्षेत्र की जरूरतों की खेती वहाँ हो रही है, चाहे वो फ्लावर्स हैं, चाहे सिट्रस फ्रूट्स है, चाहे डेयरी है, सब चीज़ें उसी पर फोकस हैं। तो हमने एक तरह से अभी हम ऑस्ट्रेलिया टाइप पर हैं तो ऑस्ट्रेलिया टाइप से हमको नीदरलैंड या यूरोपियन टाइप जो इन जर्नल है उस पर जाना है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा अर्बन एरिया अपना भी है और NCR का बहुत बड़ा अर्बन एरिया है तो उस नाते से उस पर अगर पहुँचना है तो हमको उसके लिए कुछ ऐसे सेंटर चाहिएंगे जो उसको ही फोकस करते हुए काम करें।